नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आप मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई मेड इन इंडिया वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिवाइस के बारे में जो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर बहुत ही कम पैमाने पर होती है और इसलिए चीनी मार्केट ने हमारे इस मशीनी व्यापार पर बहुत बड़ा कब्जा कर रखा है। तो दोस्तों चीन के इस कब्जे को हटाने के लिए हमारे देश की कई कंपनियाँ अब आगे आ चुकी हैं। यहाँ पर कंपनियों को बड़ी फंडिंग मिल चुकी है ताकि वो कंपनियाँ मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कर सके हैं और इसके बाद में चीनी आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जा सके। तो दोस्तों जानेंगे हम इस वीडियो में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी है। आप वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोजाना ऐसे ही मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए दोस्तों मेड इन इंडिया का सपोर्ट करते हुए हमारे देश की कंपनी ने चीन से आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगाते हुए हमारे देश के अंदर एक्सरे मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने का फैसला लिया है। दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे देश के अंदर ऑलरेडी एक्सरे मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट यहाँ पर हमारे एक्सरे मशीन्स में 50-60% जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो इंडियन होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम बात करें 20-30% कंपोनेंट्स वो चीन से या फिर किसी और देश से आयात किए जाते हैं और इसके साथ में कई एडवांस मशीनें भी चीन से आयात की जाती हैं इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, छोटी से लेकर के बड़ी हर एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं हम मेडिकल फैसिलिटीज़ में पीछे ना हट सके। तो दोस्तों कुछ समय पहले टाटा का भी एक फैसला आया था कि टाटा जो है मेडिकल मशीन्स की फैसिलिटीज़ इंडिया में डेवलप करेगी, उस पर जो लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। यहाँ पर जो है दूसरे देशों से कुछ टेक्नोलॉजीज़ को शेयर किया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों इसी के साथ में हमारे देश में एक और कंपनी विहान टेक्नोलॉजीज करके जो नोएडा में प्लेस है वो अब एक्सरेज की मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर करने जा रही है। दोस्तों हम बात करें इस कंपनी की तो ये ऑलरेडी पहले से ही देश के अंदर एक्सरे मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट यहाँ कंपनी की बात करें तो ये साल के अंदर 500-600 एक्सरे मशीन को ही मैन्युफैक्चर कर पाती है। वहीं हम दोस्तों बात करें चीन की तो वो इससे 4 गुना ज्यादा मशीनें इंडिया में एक्सपोर्ट कर देता है, वो भी इनसे कम दामों में। इस वजह से दोस्तों इनका मार्केट भी खराब हो रहा था क्योंकि इनके जो प्राइसेस थे वो थोड़े से ज्यादा होते थे, इस वजह से यहाँ पर इंडिया में इनका मार्केट ज्यादा चल नहीं पाता था। तो दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और विहान टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पर इंडिया में बड़े पैमाने पर एक्सरे मशीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इनको कई बड़ी कंपनियों की तरफ से फंडिंग भी मिल रही है और दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि जो टाटा ने अनाउंसमेंट की थी अपने मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, ये उनके साथ मिल करके भी काम कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी इस पर कोई खास रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, जैसे ही इस प्रोजेक्ट स्टूडियो की कोई खास रिपोर्ट सामने आती है आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।